हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सेवरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कृषि। अपने पास आया हुआ है अकाई का 14 इंच टीवी, जो अकाई टीवी है 14 इंच का है। इसके अंदर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम आया हुआ है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसका फिरा फ्यूज़ जल चुका है और इसमें पावर सप्लाई में फॉल्ट आया हुआ है। और जो इसके अंदर जो ये PF भी जो लगे हुए दोस्तों, ये अंदर है दोस्तों, जूम करके बताता हूँ। ये वाला दोस्तों, ये भी शॉर्ट हुआ है। और आगे क्या है इसमें, चलो देखेंगे। पावर सप्लाई में 14 इंच का है दोस्तों। ये 14 इंच का टीवी है दोस्तों। ये पावर सप्लाई में इसकी दिक्कत है दोस्तों। अपन पहले इसका फ्यूज़ निकाल लेंगे और फ्यूज़ निकाल के बाद अपन सीरियस जो लाइट है, ये फ्यूज़ निकाल लिए दोस्तों इसमें। और ये जैक पिन पूरे निकाल लेंगे। बस एसी का जो जैक पिन है वही रन देंगे और बाकी पूरे पिन निकाल लेंगे। स्पीकर के भी जैक निकाल लेंगे। ये पूरे टोटल निकाल लिए दोस्तों। अब रही है इसके अंदर जो अपने को सीरियस लाइट जोड़ना है दोस्तों। अभी ये जो आया तो ये फ्यूज़ की जगह जोड़ना है। जब शॉर्टिंग रहेंगे तो शॉर्टिंग इसके अंदर जैसे ही बताएंगे दोस्तों, तो अपना शॉर्टिंग रहेंगे तो लाइट ग्लो होगा, और शॉर्टिंग निकल गई तो अपना लाइट पावर सप्लाई क्लियर होगा, तो ये क्लियर बताएंगे दोस्त। चलो दोस्तों, सीरियस जगह पर अपन गिटर आ गए दोस्तों। अब सीरियस लाइट के जगह अपन लाइट जोड़ देंगे। ये अपना सीरियस लाइट 200 का, ये अपन बोर्ड में जोड़ते हैं दोस्तों, पर अभी बोर्ड की वजह से अपन ये फ्यूज सेक्शन में से ही जोड़ रहे हैं। जैसे फ्यूज जो रहता अपना, ये फ्यूज़ के अंदर ही जोड़ रहे हैं। ये जो फ्यूज़ आता है, ये वाला फ्यूज़ के अंदर ही जोड़ते। ये जो दो पॉइंट आते हैं, ये अपने दो कनेक्शन आ चुके इस पर। चलो दोस्तों, सप्लाई डाल कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, पावर सप्लाई पूरी शॉर्टिंग है और ना ये भी लाइट ग्लो नहीं कर रहा अपना, यानी पावर सप्लाई पूरी शॉर्टिंग है। पहले पावर सप्लाई के सही कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या शॉर्ट है। सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो बड़ा वाला अपना ट्रांजिस्टर आता है STR, ये निकाल लेंगे पहले बाहर। ये निकाल लिए दोस्तों STR। इसको चेक कर लेंगे दोस्तों कंटिन्यूटी पे, ये बजर पे चेक कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, फुल शॉर्टिंग बता रहा है, फुल शॉर्टिंग बता रहा है। चलो दोस्तों, इसमें एक बार सप्लाई डालकर देख लेंगे कि अपना और कुछ शॉर्टिंग है, क्या आगे कुछ है, कंडेंसर करंट सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों।
दोस्तों ये देखो दोस्तों, डीसी पे अपन चेक कर रहे हैं 1000 वोल्ट पे, तो यहाँ पर बता रहा है अपना कैपेसिटर पे 344 वोल्टेज कैपेसिटर यानी शॉर्टिंग इसमें से निकल चुका है और करंट अपना सेव होता है क्या देखेंगे, स्पार्क होता है क्या होता है दोस्तों, शॉर्टिंग कर लिए अपने जो ये स्टार है वो शॉर्ट हुआ है और इसके अंदर और दोस्तों जो अपना जो पीएफ है 681 ये भी ख़राब है, ये भी बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर नया पीएफ डाल देंगे। यह आ गया दोस्तों 681 पूरा फूट चुका है, इसके जगह ना नया अपन 681 पी एफ ले लेंगे 681 ये बिठा लेंगे दोस्तों इस यहाँ पर अंदर जहाँ पर निकाला हुआ है। चलो दोस्तों पी एफ बिठा लेंगे, पॉइंट को कट कर देंगे दोस्तों इसके बाकी। पी एफ बैठ कर रही दोस्तों, अब ये अपना ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे, ये लिए दोस्तों अपने ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे 3C5387 इसको चेक कर लेंगे दोस्तों कंटिन्यूटी बाजार को लेके। ओके दोस्तों ये देखो दोस्तों डीपनी बजा रहा और अपना ये जो वाला है ये C611 है, ये देखो कंटिन्यूटी बजा रहा है। चलो ये दोस्तों अंदर बिठा लेंगे इसको। चलो दोस्तों ट्रैक ट्रांजिस्टर की साफ कर लिए, ट्रैक साफ हो गए दोस्तों। चलो दोस्तों स्टिंग पेस्ट लगा लेंगे इसको, ट्रांजिस्टर को अच्छे से स्टिंग लगा लेंगे और स्टैक बिठा लेंगे दोस्तों सुंदर स्टैक। चलो दोस्तों नट भी लगा लेंगे इसके, फुल टाइट कर देना दोस्तों, कैसे हीट सिंक जो रहती है अपनी ये अच्छे से पैक हो जाना
पूरा नट टाइट टाइट होगा दोस्तों। और अपना चलो दोस्तों सोल्डरिंग कर लेंगे, ट्रांजिस्टर के डार्क मार लेंगे। अच्छे से साफ कर लेंगे दोस्तों इसको। जो बाकी पॉइंट है ये कट कर लेंगे। तो सप्लाई डाल कर देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों अपन इसका 110 जो ये रहता है 110 का ये कॉइल ये बाहर निकाल लेंगे, जाके 110 अपने को 110 वोल्टेज चलो दोस्तों सप्लाई डाल कर देखेंगे। दो सौ पर ले लेंगे मल्टीमीटर को, 200 पे ले लिया दोस्तों। दोस्तों ये 160 भी कैपेसिटर ख़राब है, ये भी बदल देंगे, ये फूका हुआ है इसकी वजह से वोल्टेज सही नहीं तैयार हो रहा अपना। ये जो है 160 जो 110 तैयार होता है वोल्ट, ये दोस्तों ये देखो ये कैपेसिटर भी पूरा फूला हुआ है। ये देखो दोस्तों इसका नंबर 47160 जो अपने 110 जो तैयार करता है, जिससे मल्टीमीटर अपना होल्ड से ही नहीं बता रहा था। यहाँ का जो ये 110 कंडीशनर भी ख़राब है। चलो दोस्तों ये कैपेसिटर ले लिए अपने, 100-200 वोल्टेज ये यहाँ पर डाल देंगे। जो इसका माइनस भाग आया हुआ है ये इधर आया हुआ है, ये सफ़ेद पट्टे तरफ माइनस है। चलो दोस्तों बिठा लेंगे पहले, दोस्तों कैपेसिटर बिठा दिए अंदर, अब माइनस माइनस की तरफ अभी इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। चलो दोस्तों कैपेसिटर डाल लिए, मल्टीमीटर को 200 वोल्टेज पे ले लेंगे। इसी पे जो ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से 110 अपना बराबर बता रहा नहीं था, कैपेसिटर डाल लिए। और जो अब देखो दोस्तों इसमें भी एलईडी आ रहा है अपना, ये देखो आके गया, यानी 110 अपना यहाँ पर तैयार हो गया दोस्तों। ये जो है अपना कैपेसिटर का माइनस बैक, और ये देखो दोस्तों 112-113 वोल्टेज बन रहा है। अभी एक मिनट बता देता दोस्तों, ये देखो 112-113 वोल्टेज बन रहा है और नीचे भी बन रहा है, ये चाहे और ये नीचे आया है दोस्तों, ठीक है परफेक्ट वोल्टेज निकल चुका है। और अपना पावर सप्लाई का शॉर्टिंग भी निकल चुका है, और इसके जगह अपन क्या करेंगे जो फ्यूज़ लगा देंगे फटाफट, और जो ये कॉइल निकाला हुआ है 110 सप्लाई जो स्टिक को जाता है, यहाँ से जो सप्लाई जाता है दोस्तों यहाँ से ये स्टिक को जाता है आगे, यहाँ से जो ये आपको पहले सप्लाई निकाल लेंगे, और ये जो सीरियस लाइट अपना जो है निकाल लेंगे बाजू, यानी अपने पावर सप्लाई का जो पूरा फॉल्ट है, ये जो सप्लाई यहाँ से ये कॉइल से होके यहाँ से ऐसे होके एस टी पर जाता है, ये फ्यूज डाल लेंगे दोस्तों पहले इसमें।
और उसके बाद में ये कॉइल दोस्तों जो 110 के अपने रस निकालेंगे यहाँ पर नीचे दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ये कॉइल है बिठा दिए दोस्तों कॉइल जो स्टिक वोल्टेज सप्लाई देती है दोस्तों ये अच्छे से सोल्डरिंग कर लेना चलो दोस्तों सप्लाई डालेंगे सप्लाई डाल दी दोस्तों आप अपना टीवी ऑन हुआ के दोस्तों इसके अंदर अभी आड़ी रिकल का प्रॉब्लम आ रहा है टीवी से पावर सप्लाई क्लियर हो गया आड़ी रिकल का प्रॉब्लम देखो दोस्तों अपना एवी पूरा आ चुका है और इसमें जो है ना तो ये 7840 एसी की जगह डार्क ट्रैक लूज थे अपना टीवी ओके हो गया दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों धन्यवाद।